बीते दिनों मशहूर सिंगर सोनू निगम पर एक स्टेज शो के दौरान हमला हुआ। एक म्यूजिक इवेंट के दौरान सोनू निगम पर उनकी टीम के साथ हाथापाई हुई। इस दौरान सोनू निगम, उनके बॉडीगार्ड और उनके करीबी लोगों को चोटें आ गई। इस मामले में सिंगर ने चैम्बूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने विधायक प्रकाश फाटेर पेकर के बेटे के खिलाफ केस दर्ज किया है। अब इस मामले में सोनू निगम ने चुप्पी तोड़ दी है। हमले के बाद सिंगर ने क्या कहा, आइए वीडियो देखते हैं। कॉन्सर्ट करके उतारा था और वो जो आजकल आप लोग की जो सेल्फी और फोटोग्राफ का जो चला हुआ है ना, नहीं उसको समझता नहीं, तो उसने पकड़ लिया मुझे, तो पकड़ा तो उसके बाद में उसका नाम है स्वप्निल प्रकाश फाटेर पेकर, वो बाद में मुझे मालूम पड़ा। उसने पकड़ लिया तो मुझे बचाने के लिए पहले हरी प्रकाश पहले हरी को उसने पुश किया, तो वो वीडियो में देखेंगे राइट हैंड साइड में पहले हरी को पुश किया है। उसके बाद जब मुझे पुश किया तो मैं गिर गया, देखा होगा वीडियो में, मैं नीचे गिर गया हूँ। हाँ, मैं स्टेप पे गिर गया, तो मैं अगर मैं साइड में तो मैं गिर जाता, तो मैं स्टेप पे गिरा तो मुझे बचाने के लिए रब्बानी आए, और रब्बानी को तो उसने ऐसे पीछे किया तो उसके बच गया, वो मर जाता, वो अगर नीचे कुछ लोहा होता तो गया था वो। सोनू निगम ने मीडिया को बताया कि उनके साथ क्या हुआ। कॉन्सर्ट के बाद मैं स्टेज से जब नीचे आ रहा था तभी एक आदमी स्वप्निल प्रकाश फाटेर पेकर ने मुझे पकड़ लिया, फिर उसने हरि और रब्बानी को धक्का दिया जो मुझे बचाने आए थे, फिर मैं सीढ़ियों पर गिर पड़ा। मैंने शिकायत दर्ज की ताकि लोग जबरदस्ती सेल्फी लेने और हाथापाई करने से पहले सोचे। हमले के बाद सोनू निगम मुंबई के जैन अस्पताल पहुंचे। सोनू निगम ने मुंबई पुलिस से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। पुलिस के मुताबिक लाइव कॉन्सर्ट के बाद जब सिंगर सोनू निगम स्टेज से नीचे आ रहे थे, उस वक्त एक शख्स ने उन्हें पकड़ लिया। आपत्ति के बाद उन्होंने सोनू निगम और उनके दो साथियों को सीढ़ी से धक्का दे दिया। आरोपी का नाम स्वप्निल फाटेर पेकर है। बताया जा रहा है कि स्वप्निल शिवसेना के विधायक का बेटा है। उसने सोनू निगम के साथ सेल्फी लेने की कोशिश की, जब बॉडीगार्ड ने मना किया तो उसने गार्ड को धक्का दे दिया। उसने सोनू निगम को भी धक्का दिया मगर बॉडीगार्ड ने उन्हें पकड़ लिया। इस दौरान कई लोगों को चोटें आ गई, जिसके बाद सिंगर को अस्पताल जाना पड़ा। सोनू निगम के साथ हुई बदसलूकी के बाद कॉन्सर्ट के आयोजकों ने ट्वीट करके सोनू निगम से माफी मांगी है। आज सुबह सिंगर मुंबई लौट आए हैं और मुंबई एयरपोर्ट पर नजर भी आए हैं। सिंगर ने पैपराजी से कहा सब ठीक ठाक है। तो आपका इस वीडियो पे क्या कुछ कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।